और चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी नेता तजिंदर पाल बग्गा को बड़ी राहत, बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 मई तक लगाई रोक। बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक, मोहाली कोर्ट ने जारी किए थे अरेस्ट वारंट। बग्गा को पगड़ी पहनने से रोकने पर अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को भेजा नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब। बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब के संगरूर में बीजेपी का प्रदर्शन, सीएम मान के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई नोकझोंक। दिल्ली में तेजिंदर बग्गा से मिले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, कहा केजरीवाल के गुंडों ने बग्गा के पिता के साथ की बदसलूकी, पंजाब पुलिस का हो रहा है इस्तेमाल। पंजाब में आप विधायक जसवंत सिंह के घर समेत 5 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी, जसवंत सिंह पर 40 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का आरोप। ज्ञानव्यापी मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग पर 9 मई को होगी सुनवाई, मुस्लिम पक्षकार ने की है कमिश्नर को बदलने की मांग। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद में शनिवार को नहीं हो पाया सर्वे, हिंदू पक्ष के वकील का बयान, कहा मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से रोका। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि सर्वे टीम को मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया गया, सर्वे टीम को रोकने के लिए बैरिकेटिंग की गई थी। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि हम 9 मई को कोर्ट में रखेंगे अपनी बात, कोर्ट के आदेश का हुआ है उल्लंघन। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का ओबीसी ने किया विरोध, कहा आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं साजिश, नफरत फैलाने की हो रही राजनीति। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक मामले में 36 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। मुंबई में लाउड स्पीकर से अजान पर एक्शन, बांद्रा में नूरानी मस्जिद और सेंटाक्रूज में लिंक रोड पर मुस्लिम कब्रिस्तान मस्जिद के ट्रस्टियों के खिलाफ मामला दर्ज। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध जारी, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण ने खोला मोर्चा, यूपी और बिहार में जगह जगह लगाए गए पोस्टर। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना की मुहिम जारी, कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा, बांदीपुरा में हिजबुल के 2 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, काठमांडू से वापस लौटी दिल्ली की फ्लाइट, खराब मौसम के चलते काठमांडू में नहीं हुई लैंडिंग। भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं, दर्शन के लिए देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बड़ा बयान, का अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो सभी जिलों में पढ़ी जाएगी हनुमान चालीसा। बीपीएससी की परीक्षा आज, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी परीक्षा, 5 लाख अभ्यर्थी हो रहे शामिल। बिहार में 3000 और पंचायत सचिवों की होगी बहाली, जल्द ही मंगाए जाएंगे आवेदन, पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। पटना के पीएमसीएच में जीएनएम की छात्राओं पर लाठीचार्ज, परीक्षा केंद्र बदले जाने से है नाराज, आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने दिया समर्थन। झारखंड कैडर की आईएएस पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर ईडी की रेड, करीब 18 करोड़ कैश बरामद, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त। झारखंड अवैध खनन मामले में आईएएस पूजा सिंघल का सीए गिरफ्तार, ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 1 दिन की हिरासत में भेजा, सीए के घर से मिला था 19 करोड़ कैश। झारखंड में आईएएस अधिकारी के घर छापे पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिहार में भी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर बरसे हेमंत सोरेन, कहा इधर भपकी से नहीं डरने वाले, कुछ दिन में पंचायत चुनाव में ईडी का इस्तेमाल करेगी बीजेपी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर उठाए सवाल, कहा चौपट हो गई है सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था। धनबाद जिले के दबंग विधायक ढुल्लू महतो द्वारा प्रताड़ित होकर पूरा परिवार आमरण अनशन करने को मजबूर, लेकिन अब तक प्रशासन ने नहीं लिया सुध। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को लेकर कांग्रेस ने जारी किया पोस्टर, पोस्टर में लिखा आजम खान साहब कांग्रेस में आइए, आपका स्वागत है। यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसे में 7 लोगों की मौत, 2 घायल, नोएडा में शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था परिवार। यूपी के सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 3 लोगों की मौत, 1 मजदूर की हालत नाजुक, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा, मर्डर करने से पहले महिलाओं के साथ किया गया था गैंगरेप, एफएसएल रिपोर्ट की पुष्टि के बाद गिरफ्त में आए आरोपियों ने कबूला गुनाह। यूपी के बागपत में पुलिस और एनजीटी टीम पर ग्रामीणों का हमला, पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी, एनजीटी के आदेश पर अवैध भट्टियों को ध्वस्त करने गई थी टीम।
श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कर्नाटक तेलंगाना से 3 दिन में अयोध्या पहुंचे 17,000 स्लेब, तीसरे चरण में पहुंचा निर्माण का काम। लखनऊ के नाइट क्लब में युवतियों से अभद्रता, जमकर चले लात घूंसे, वीडियो के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया केस। जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट में धमाके के बाद लगी आग, हादसे में 3 लोग घायल, मुख्यमंत्री ने ली घटना की जानकारी। महाराष्ट्र के नागपुर में कार और ट्रक की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। ओडिशा में एक स्कूल के क्लासरूम में पुष्पा मूवी के श्रीवल्ली गाने पर डांस कर रहे थे छात्र, वीडियो वायरल होने पर प्रिंसिपल सस्पेंड। हजारीबाग के हरली में सड़क दुर्घटना में घायल 7 बच्चों के इलाज में कोई मदद नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने NH-100 को जाम कर दिया, मुआवजे की मांग। गोड्डा के नरैनी गांव में आग लगने से 3 सगे भाइयों के घर जलकर राख, परिजनों ने महागामा विधायक से की राहत की मांग। खगड़िया के मानसी थाने के सैदपुर गांव में डॉक्टर सुमंत कुमार को अपराधी गोहिल यादव ने गोली मार दी, गोहल यादव की तलाश जारी। गोड्डा में सरकारी अस्पताल से सटे पान की दुकान में शराब और नशीली दवाइयों की भारी मात्रा जब्त, 2 मोटरसाइकिल के साथ 1 गिरफ्तार। तोरपा के दियांगकेल निवासी हेड कांस्टेबल नियरंजन बारला ड्यूटी के दौरान असम में शहीद हो गए, शहीद के पार्थिव शरीर को दी गई अंतिम सलामी। मोतिहारी का ये स्कूल शिक्षिका के सेहत के अनुसार खुलता है बंद होता है, मामला रामगढ़वा में जैतापुरा पंचायत के सिसवनिया गांव के मध्य विद्यालय का है। बेगूसराय में पति के द्वारा एक पत्नी की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, ये वीडियो भगवानपुर थाना क्षेत्र के नौला गांव का है। कटिहार में गंगा जयंती के मौके पर महाआरती का आयोजन, चर्चित उत्तरायणी दिव्य गंगा की विद्वान पुरोहित के द्वारा की गई स्तुति। बेगूसराय में बीच सड़क पर महिला की पिटाई की गई थी, जी मीडिया पर खबर चलाए जाने के बाद भगवानपुर थाना पुलिस महिला के पास पहुंची, मामले की जांच शुरू। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में हिंसक झड़प, आधा दर्जन लोग जख्मी, पुलिस घायलों का बयान लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। बेगूसराय में बागीचे में आम तोड़ने के दौरान संदिग्ध अवस्था में छात्र की मौत, मृतक की मां का रो रोकर बुरा हाल। गिरिडीह में महिला पर गोली चलाने के मामले में हुई कार्रवाई, मामले में 2 गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त। हजारीबाग के पकाही तालाब से 1 युवती का शव मिला, युवती की प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका, युवती एक अपार्टमेंट में काम करती थी। वैशाली के महुआ में बहन की शादी के समय भाई की हत्या कर दी गई, युवक का शव पेट से लटका हुआ पाया गया, मामले की जांच की पुलिस। बगा में तैनात आवास सहाय ने मुखिया पर साजिश का लगाया आरोप, गुंजन की बाइक में शराब रखकर उसे फंसाने की कोशिश की गई, आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पूर्णिया में कोर्ट ने अधिवक्ता के साथ मारपीट मामले में 8 दारोगा पर लिया संज्ञान, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने दारोगा के ऊपर कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश। गया में चाचा ने भतीजे को मारी गोली, घटना के बाद मौके से हुआ फरार आरोपी, घायलों को CHC में किया गया भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में साइबर अपराधियों ने DM का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया, व्हाट्सएप पर DM की फोटो लगाकर मांग रहे हैं पैसे। बेगूसराय में पुलिस को बड़ी कामयाबी, लूट की घटना को अंजाम दे रहे 3 अपराधी गिरफ्तार, अपराधियों के पास से देशी पिस्टल बरामद। ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंजा धनबाद का बासीपुर, अवसरा बाजार के मालिक शमीम के घर चली गोली, प्रिंस खान 2 माह से देर रात अदर किया। बगहा में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, हादसे में 1 यात्री की दर्दनाक मौत, दूसरा घायल, NH-727 पर डुमलवलिया मोड़ के पास हुई घटना। शेखपुरा में अनियंत्रित बस ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में बाइक सवार युवक ने सड़क किनारे लगे पोल में मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार तो युवक गंभीर रूप से घायल। सीतामढ़ी में अलग अलग थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। नालंदा में ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत, ट्रेन पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा, मृतक शेखपुरा जिले के जयरामपुर का है निवासी। जमशेदपुर में टाटा स्टील के कोक प्लांट में ब्लास्ट, बैटरी ब्लास्ट में 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे, TMH अस्पताल में किया गया भर्ती। लोहरदगा में अनियंत्रित बॉक्साइट ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त, सड़क किनारे पेड़ से टकराई ट्रक, हादसे में ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल। छपरा में अनियंत्रित बोलेरो ने बच्ची को मारी टक्कर, सड़क हादसे में 6 साल बच्चे की मौत, स्कूल से लौटने के दौरान हुआ हादसा। गिरिडीह में ट्रेन की चपेट में आने से 1 हाथी की मौत, घटना के बाद प्रभावित रही ट्रेनों की आवाजाही, चाची की गडैया स्टेशन के बीच हुआ हादसा। सुपौल में सैकड़ों मजदूरों ने मजदूरी कम मिलने पर जताया विरोध, किसान कांग्रेस के प्रदेश
महासचिव के नेतृत्व में किया गया विरोध प्रदर्शन, मजदूरों की मांग पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। गोपालगंज में पुरानी रंजिश में किसान की पीट पीट कर हत्या, मौके से आरोपी हुआ फरार। मुंगेर में होने वाली भाभी की फोटो वायरल, करना पड़ा महंगा, भाई ने छोटे भाई की जमकर की पिटाई। सीवान में बच्चों के विवाद में एक महिला की पीट पीट कर हत्या, दिव्यांग बच्चे को चिढ़ाने पर हुआ था विवाद। सीवान में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की जमकर पिटाई कर दी, मारपीट के बाद पिता गंभीर रूप से घायल। पूर्णिया में वाहन चोर गिरोह सक्रिय, मरंगा थाना क्षेत्र के बाईपास के पास रिकवरी वैन लेकर फरार हुए चोर। पटना सिटी में हाईवे पर लुटेरों का आतंक जारी, माल सलामी थाना क्षेत्र के बाग इलाके से सरिया लदा ट्रैक्टर लेकर फरार हुए लुटेरे। पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से शराब की 5 खाली बोतलें बरामद, विश्वविद्यालय प्रशासन ने बाहरी लोगों पर लगाया शराब पीकर बोतल फेंकने का आरोप। बक्सर में मध्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। पूर्णिया के राजेंद्र बाल उद्यान के पास लगाया गया नीरा स्टॉल का उद्घाटन जिला अधिकारी राहुल कुमार ने फीता काट कर किया। समस्तीपुर में शराबबंदी को लेकर प्रशासन सख्त, उत्पाद विभाग ने नशे की हालत में जिला परिषद सदस्य समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार, शराब पार्टी के दौरान हुई कार्रवाई। सीतामढ़ी में पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, चरस के साथ हथियार और लूट के 2 बाइक जब्त। दरभंगा में रेल प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके गंदी बस्ती बसाई गई थी। 3 दिवसीय लखीसराय दौरे पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष एजनीघाट ग्राम में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सिमडेगा में उपायुक्त आर रौनिता ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ की बैठक, पंचायत चुनाव को लेकर की बैठक। जेडीयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह निषाद शिवपुरा पहुंचे, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। भागलपुर शहर में जाम से लोग परेशान, डीएम ने नगर विकास विभाग से बस स्टैंड को डेवलप करने की बात की। गया के इमामगंज प्रखंड में जिलाधिकारी और एसएसपी ने की सरकारी योजनाओं की समीक्षा, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। G7 नेता आज जेलेंस्की के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक, G7 के नेताओं को करेंगे संबोधित यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। यूक्रेन में रूस कर सकता है बड़ा हमला, रूसी टैंक मालारोहन गांव की ओर बढ़े, भारी संख्या में दिखाई दे रहे हैं रूसी सैनिक। यूक्रेन के बखमूत में रूसी सेना का हवाई हमला, हमले में 3 लोगों की मौत। यूक्रेनी शरणार्थियों के बीच पहुंची अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडन, रोमानिया में शरणार्थी बच्चों और महिलाओं का जाना हाल। यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमले से बिल्डिंग हुई तबाह, घर के हुए तबाह। यूक्रेन के ओडिशा शहर में रूस के हमले तेज, यूक्रेन का आरोप शहर में हुए हैं 6 मिसाइल अटैक। कार्किव में रूसी सेना के हवाई हमले से तबाह हुआ म्यूजियम। यूक्रेन के सुमी शहर में हवाई हमले से भारी तबाही, चारों ओर तबाही के निशान, लोगों के सामने खाने पीने का संकट पैदा हो चुका है। मुनव्वर फारूकी ने जीता लॉकअप का पहला सीजन, ट्रॉफी के साथ मिला 20 लाख रुपए का कैश, कार और फ्री इटली ट्रिप का इनाम। करीब 70 दिनों तक चले शो को दर्शकों ने काफी सराहा। रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने रिलीज होने से पहले रचा इतिहास, फिल्म डिज्नी स्टूडियो के ग्लोबल रिलीज कैलेंडर में शामिल हो चुकी है। फिल्म को 9 सितंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाएगा। फिल्म KGF 2 और RRR के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज का धमाल, फिल्म ने पहले दिन भारत में कमाए 27 करोड़ रुपए। करण जौहर ने शुरू की कॉफी विद करण के नए सीजन की शूटिंग, करण जौहर ने शेयर की शूटिंग की तस्वीरें, शो में बॉलीवुड सितारों के साथ नजर आएंगे। एक्टर और कॉमेडियन मोहन जुनेजा का निधन, फिल्म KGF के दोनों पार्ट में नजर आए थे मोहन जुनेजा। श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे की मुश्किलें बढ़ी, कोलंबो में सड़क पर प्रदर्शन, सरकार का इस्तीफे मांग रहे हैं प्रदर्शनकारी। रूस के साइबेरिया में रिहायशी इलाके की आग हुई भीषण, 500 से ज्यादा घर। उत्तर कोरिया ने किया मिसाइल परीक्षण, जापान ने मिसाइल परीक्षण का किया विरोध, कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा। वक्त एक ब्रेक का।